हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैजिक मेथड्स के बारे में। पीएचपी में जो है मैजिक मेथड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, पीएचपी जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिक मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनका हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम जो है काफ़ी प्रीटी नीट और क्लीन वर्क जो है आप कर सकते हो उन मैजिक मेथड्स की हेल्प से। तो ऐसे दोस्तों, कौन कौन से मैजिक मेथड्स हैं और किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैजिक मेथड्स है, या आपने अगर कहीं पे फ्रेमवर्क में जाके देखा भी होगा कि ये जो फंक्शन यूज़ हुआ है ये किस तरह का फंक्शन है या किस टाइप का फंक्शंस है। सो मैजिक मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक तरह से देख सकते हो कि जो भी फंक्शन जिनका जो नाम है उसके नाम से पहले डबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स में यूज़ होते हैं, डबल अंडरस्कोर, और उसके बाद आता है उस फंक्शन का नाम, तो ऐसे फंक्शन को मैजिक मेथड्स कहा जाता है। इसमें हमने जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज देखी, हमने भी एक मैजिक मेथड्स को इसमें कवर किया, वो था कंस्ट्रक्ट। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्ट हमने जो है कवर किया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पीएचपी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का किस तरह से यूज़ होता है, तो आप इसमें भी देखोगे इस कंस्ट्रक्ट फंक्शन जो इसका नाम है इसके पहले जो है क्या यूज़ हो रहा है, डबल अंडरस्कोर यूज़ हो रहा है, जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो मेथड, ये जो फंक्शन है वो एक मैजिक मेथड्स है। और दूसरी मैजिक मेथड्स की खासियत ये होती है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं, प्रोग्रामर इनको कभी भी डायरेक्टली जो है कॉल नहीं करता है, पीएचपी इनको ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन कॉल करता है। अब अगर एक और बात जो माइंड में आती है कि व्हाई दे आर कॉल्ड मैजिक मेथड्स, व्हाट आर द मैजिक, तो मैजिक की बात यही रहती है कि प्रोग्रामर जो है एक्चुअली इन मैजिक मेथड्स के अंदर अपना डेफिनेशन, अपना कोड, अपना वर्क यहाँ पे रखता है और व्हाटएवर जो टास्क वो अचीव करना चाहता है उस पर्टिकुलर मैजिक मेथड्स के थ्रू वो उसमें राइट डाउन करता है। और दूसरा जो है, व्हेनेवर वो सर्टेन इवेंट या सर्टेन कंडीशन ऑकर होती है, ये मैजिक मेथड जो है पीएचपी में बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड किया जाता है, ये कभी भी प्रोग्रामर के द्वारा डायरेक्टली कॉल नहीं होता है। सो ये एक खासियत होती है और इसी खासियत से आप जो है इसमें काफ़ी ब्यूटिफुल टास्क या जो भी आप ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप इनके थ्रू अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। तो ये मैजिक मेथड की खासियत रहती है। और अगर हम मैजिक मेथड्स की बात करें कि कौन कौन से मैजिक मेथड्स है पीएचपी के अंदर, तो वैसे तो बहुत सारे मैजिक मेथड्स है पीएचपी जो प्रोवाइड करता है, लेकिन हम जो अपनी सीरीज के अंदर कवर करेंगे वो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और देन कॉल, कॉल स्टैटिक, गेटर, गेट आप इसको कह सकते हो, सेटर, सेट, एंड देन इट सेट, अनसेट, स्लीप, वेकअप, टू स्ट्रिंग, इनवोक, क्लोन एंड ऑटोलोड। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ मैजिक मेथड्स हैं जिनको हम कवर करेंगे अपनी सीरीज के अंदर, और वन बाय वन हम इनका यूजेस सीखेंगे, किस तरह से इन मैजिक मेथड्स को डिफाइन किया जाता है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनके थ्रू हम क्या ब्यूटीफुल कंसेप्ट जो है अचीव कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स रहते हैं इन मैजिक मेथड्स के। तो ये सब जो है हम अपनी वीडियो सीरीज़ में, जो भी अब मैजिक मेथड्स में हम देखेंगे वो सब चीज़ हम इसमें अचीव करेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।